सो लास्ट लेसन में हमने समझा था कि कैसे रेस्टिंग सेल आपके एक्शन पोटेंशियल की स्टेज में वो कन्वर्ट होती है. वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल कि हमने समझा कि एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं. वी डिस्कस कि रेस्टिंग स्टेज पर आपकी सेल के अंदर जो आपकी वोल्टेज गेटेड पंप प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम आयन बाइंड होता है और ये कैल्शियम आयन इसको बाइंड मतलब इसके सरफेस के ऊपर बाइंड रहता है ताकि ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है ये इनएक्टिव रह सके और यहाँ से सोडियम का डिफ्यूजन ना हो सके. ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कब खुलती है, जब यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड के अंदर डिफरेंस आता है वोल्टेज पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है वो भी कितने का, -10 मिली वोल्ट का. इसलिए इस -10 मिली वोल्ट को हम लोग कह देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. वी डिस्कस अबाउट द ऑल दीज प्रोसेस कि किस तरीके से आपकी रेस्टिंग सेल एक्टिंग एक्टिव सेल में कन्वर्ट होती है, एक्साइट सेल में कन्वर्ट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. सो एक सेल जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, +30 मिली वोल्ट का उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, इतनी चीज हमने क्लियर कर ली थी. अब हम समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा कि रिपोलराइजेशन कैसे होगा. देखो अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे पास जो सेल थी उस सेल के अंदर, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेती हूँ, ये हमारे पास न्यूरोनल सेल है. इस न्यूरोनल सेल में अभी क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन हो चुका है. ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, नेगेटिव चार्ज अभी बाहर आ चुका है और पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा है. अंदर ज्यादा मतलब अंदर कितना ज्यादा, +30 मिली वोल्ट का माहौल अंदर बन चुका है. ठीक है, ये चार्ज हम लोग हमेशा पेरिफेरी पर इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जितना भी चार्ज डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो यहाँ पर पेरिफेरी पर ही आपको नजर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयन चैनल्स. बिकॉज वो आयन चैनल्स इसी पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपको जो आयनिक डिफरेंस है उसे पेरिफेरल रीजन पे ही देखने को मिलता है. एक्सोप्लाज्म का जो इनर एनवायरमेंट है वहां आपको चार्ज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. रीजन इज क्योंकि वहां पे आयन अभी, तो आयन भी आपके डिफ्यूज होते हैं. सो ये डिफ्यूज होके आपके पेरिफेरी पर फैल जाते हैं, सेंटर वाले रीजन के अंदर चार्ज हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. ठीक है, सो ये चीज हमने कवर करी थी कि +30 का माहौल यहाँ पे बन चुका है. अब क्या होगा, अब हमारी सेल डीपोलराइज हो चुकी है. अब इस चीज को अगर हम एक ग्राफ फॉर्म में अगर समझे, तो देखो अभी तक हमने क्या समझा, अगर हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट करें तो हमने समझा हमारे पास सॉरी ठीक है, ये मान लो हमारा जीरो है, इसे ऊपर अगर हम पोटेंशियल, इधर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम पीडी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या वोल्टेज कह सकते हैं इसको, ऊपर हमारा प्लस फॉर्म में है यानी कि यहाँ पे जैसे +1 हो गया, +2 हो गया और ऐसे ही ऊपर आपका +30 तक. ठीक है, नीचे वाले साइड में हम लोग यहाँ डिनोट कर सकते हैं माइनस, यानी कि यहाँ पे -1 -2 और ऐसे ही करके आपका नीचे जो माहौल है दैट इज -60 तक. समझने के लिए हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग में आपकी जो सेल थी वो सेल कैसी स्टेज पर थी, रेस्टिंग स्टेज पर थी, और जो वो रेस्टिंग स्टेज पर थी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था -60 मिली वोल्ट. तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेल थी वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पर लाई कर रही थी. ठीक है, जब उस -60 मिली वोल्ट की रेस्टिंग सेल के ऊपर मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से, एक प्रेशर की वजह से आयन का डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, यानी कि सोडियम आयन का जब इनफ्लक्स होने लगता है तो क्या होता है कि ये सॉरी -70 तक, यस -70 मिली वोल्ट हमें करना था. ठीक है, सो -70 मिली वोल्ट होता है और इसी सोडियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से ये वोल्टेज डिफरेंस आपका शिफ्ट हो जाता है -60 तक. ठीक है, अब क्या हुआ, जब जब यहां पर आपका लेवल पहुंच गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका -60 हो जाता है, तो हम इसे कह देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर हमने समझा था कि जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है आपकी सेल के सरफेस पर, सेल के सरफेस पर जो आपकी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होती हैं वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाती है, और उन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से आगे जो सोडियम का इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाता है, वो इतना बढ़ता है कि
कि वो आपका प्लस 30 के लेवल तक चला जाता है, ठीक है, कितना बढ़ जाता है, प्लस 30 तक वो आपका बढ़ जाता है। आई कैन डिनोट दिस ग्राफ लाइक दिस, यस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 30 के स्टेज पर आते ही आपकी जो सेल्स होती है उसको हम लोग कहते दे हैं कि हमारी जो सेल है वो एक्टिव हो चुकी है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, ठीक है। पोलैरिटी चेंज हो गई है, डीपोलराइजेशन हो गया है, तो इस साइड हम लिख सकते हैं कि हमारी सेल के अंदर डीपोलराइजेशन हो गया है। यहाँ पे आपकी सेल पोलराइज थी, नीचे जो थी आपकी सेल पोलराइज थी, तो हम कह सकते हैं कि इधर हमारी सेल पोलराइज स्टेट में थी। नाउ व्हाट इफ, अब क्या होता है कि देखिए आपके जो न्यूरोनल सेल्स होती है, ऐसा तो होता नहीं है कि एक्साइट होती रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रेवल करती है। वेव ऑफ डिपोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि एक सेगमेंट एक्साइट होता है उसका और एक सेगमेंट उसका अनपोलराइज स्टेट में रहता है, यानी कि पोलराइज स्टेट में रहता है। तो उसके अंदर वेव की तरह, आपने वेव देखा होगा कि जब आप किसी पॉन्ड के अंदर कोई स्टोन फेंकते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है, सेम ऐसे ही न्यूरॉन के अंदर एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल करती है। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर हमारा न्यूरोनल सेल का सेगमेंट है, एक्सोन का पार्ट है, तो ये पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सेल में नहीं रहता, उसके सिर्फ एक सेगमेंट में ही आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस सेगमेंट के अंदर डीपोलराइजेशन हो रहा है, पीछे आपकी सेल पोलराइज स्टेट में ही प्रेजेंट है। तो ऐसे क्या होता है कि एक एक करके उसका हर एक सेगमेंट पोलराइज होता चला जाता है, डीपोलराइज होता चला जाता है, और ऐसे ही वेव ऑफ इंपल्सेस की ट्रेवल करती है। और दूसरी चीज हमने यहाँ से ग्राफ से क्या समझनी है कि आपका जो न्यूरोनल सेल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम तक वो एक्टिव भी बहुत जल्दी होता है और बहुत ज्यादा टाइम तक वो एक्टिवेट नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद आपकी सेल जो है वो वापस से अपनी पोलराइज स्टेज को अटेन करने लगती है। अब ये पोलराइज स्टेज वो कैसे अटेन करेगी, -70 से +30 का माहौल तो हो गया, लेकिन अब +30 से वापस -70 का माहौल लेके आना है, क्योंकि उसी स्टेज को तो हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब, री का मतलब दोबारा से, पोलराइजेशन का मतलब पोलैरिटी, यानी कि अगेन एक्सोनल सेल को अंदर माइनस का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बाहर प्लस का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद आपकी एक्सोनल सेल सेकेंड स्टिमुलस के लिए रेडी हो पाएगी, ठीक है। सो हम लोग क्या क्या समझे कि अगर आपकी सेल की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो उस पोलैरिटी को वापस से सेल को अटेन भी करना पड़ेगा, और इसके लिए भी अगेन कुछ फंक्शन यहाँ पे होते हैं, कुछ और चेंजेस आपके एक्सटर्नल सेल के अंदर होते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमने एक चीज समझी थी कि जो मेनली जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, उसके लिए मेन फैक्टर कौन कर रहा था, हमारी सोडियम पोटाशियम चैनल काम कर रही थी, यानी कि सोडियम की चैनल काम कर रही थी, ठीक है। सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से ही रैपिड इनफ्लक्स हो रहा था, इसका रैपिड इनफ्लक्स हो रहा था सोडियम आयन का, और उस सोडियम आयन के रैपिड इनफ्लक्स की वजह से अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम आयन आ गया, जिससे पॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, सेल जो है डीपोलराइज हो जाती है। इतनी बात हमने समझी थी, लेकिन उसी के साथ हमने एक बात और डिस्कस करी थी कि जब आपकी सेल के अंदर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ सोडियम आयन चैनल ही ओपन नहीं होते, उसी के साथ साथ आपके पोटाशियम आयन चैनल भी ओपन होते हैं। पर पोटाशियम आयन चैनल के बारे में हमने ये सब बात समझी थी कि पोटाशियम आयन चैनल हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लेजी बच्चे की तरह काम करती है, एक लेजी बच्चा जो कि बहुत धीरे धीरे उठता है, ठीक है। सोडियम आयन चैनल आपका एक्टिव बच्चा है जो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, जिसने अपना काम पूरा कर दिया, सोडियम आयन का रैपिड इनफ्लक्स कर दिया, और उसके बाद वो शट डाउन हो गई, वो बंद हो गई, ठीक है। पोटाशियम आयन जो अभी तक ओपन नहीं हुई थी, अब वो ओपन होगी, ठीक है। जैसे पोटाशियम आयन की वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होगी तो क्या होगा, हमने ये बात समझी थी जब हमने नॉर्मल सेल को देखा था, तो नॉर्मल सेल के केस में हमने ये बात समझी थी कि नॉर्मल माहौल होता है कि बाहर प्लस का माहौल है, अंदर नेगेटिव माहौल है, अंदर बहुत सारा पोटाशियम भरा पड़ा है और बाहर बहुत सारा सोडियम भरा पड़ा है। मैंने ये बात भी आपको समझाई थी कि आपके सेल जो है, जब तक वो एटीपी डिपेंडेंट, यानी कि एटीपी को यूज नहीं कर रही, जब तक उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तब तक वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम नहीं करेगी,
यानी कि आपकी सेल के अंदर जब आयन चैनल्स आकर पैसिव मैनर में काम कर रही है, तो पैसिव मैनर का मतलब होता है कि अगर वो चैनल ओपन होगी तो आयन का सिंपली डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन के बारे में हमें ये चीज पता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होना। ठीक है, तो जब हमने वो हमारी सोडियम आयन चैनल ओपन हुई थी तो बाहर सोडियम आयन भरा पड़ा था, आयन सोडियम आयन जो है, एक सेकेंड, ये अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो हमने डिस्कस किया था कि बाहर के यानी कि ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर सोडियम आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था और अंदर बहुत ही कम सोडियम आयन था। तो ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट से लोअर में ट्रेवल करेगा, इसीलिए जब सोडियम आयन चैनल ओपन हुई तो सोडियम का इनफ्लक्स हुआ। ठीक है, लेकिन पोटेशियम आयन चैनल के केस में चीज उल्टी होने वाली है, रिवर्स होने वाली है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था सेल के इनर एनवायरनमेंट के अंदर अप्रोक्सीमेट 30 टाइम्स ज्यादा प्रेजेंट है पोटेशियम ईसीएफ के कंपैरिजन में। ठीक है, ईसीएफ के कंपैरिजन में इनर एनवायरनमेंट के अंदर पोटेशियम भरा पड़ा है। तो जब पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो आयन ट्रेवल करेगा वो इनर एनवायरनमेंट से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा, हमारी पोटेशियम आयन चैनल यहां से ओपन हो जाती है और जैसे ही ये पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगी पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ई फ्लक्स मतलब बाहर पोटेशियम आयन आपका एकदम से डिफ्यूज होने लगेगा, बहुत सारा पोटेशियम आयन आपका बाहर ईसीएफ के अंदर एंटर करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, अब देखो अब सेल के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज थे वो बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी हमारी जितनी भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल थी वो ओपन हो गई, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है, बहुत सारे पोटेशियम आयन आपके बाहर जा रहे हैं। पोटेशियम आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सेल की पोलैरिटी अगेन चेंज होगी। यहाँ पे अब सेल की पोलैरिटी क्या होगी, अब +30 से सेल आपकी डाउन आती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव माहौल बन रहा है ना अंदर, अंदर से पॉजिटिव चीजें बाहर जा रही है तो अंदर नेगेटिविटी ही बढ़ेगी। तो एज ए रिजल्ट हमारा जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, वो क्या होता है, वो अब आपका डाउन आने लगता है। ठीक है, जीरो तक जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे अगेन हमारी जो सेल है वो डीपोलराइज स्टेट में आ गई। डीपोलराइज मतलब अभी कोई पोलैरिटी नहीं है। फिर देखते हैं कि पोटेशियम चैनल का इतना ज्यादा ई फ्लक्स हो जाता है कि ये अगेन वापस आके आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, -60, -70 और सम टाइम ये -90 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया -90 mV। और जब आपकी सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस -90 तक पहुंचता है तो हम उस स्टेट को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर? सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, हमने समझा कि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस हुए। हमने ये चेंजेस पड़े कि पहले हमारी मेम्ब्रेन जो थी उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए कौन सी आपकी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल थी, सोडियम आयन चैनल रिस्पांसिबल थी। और आपकी जो सेल है उस टाइम पे क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। और ये डीपोलराइजेशन से उसके अंदर रीपोलराइजेशन कब होगा, जब सेल की नेगेटिविटी वापस से अटेन हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिविटी वापस से अटेन होगी कैसे, जब आपकी पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाएगी। यानी कि सेल की नेगेटिविटी के लिए कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, यानी कि सेल का रीपोलराइजेशन करने के लिए कौन सी गेटेड चैनल रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। और उसके डीपोलराइजेशन के लिए कौन सी चैनल रिस्पॉन्सिबल थी, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या हमने समझा रीपोलराइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगी ताकि समझ में आए कि रीपोलराइजेशन की प्रोसेस कैसे हुई। सो आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यानी कि कुछ सेकेंड्स के बाद सोडियम के जो गेट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन सोडियम के गेट क्लोज होने से पहले इनर एनवायरमेंट के अंदर इतना इनफ अमाउंट के अंदर सोडियम भर जाता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव वहां पे माहौल बन जाता है। ठीक है,
सो डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोन मेम्ब्रेन कॉजेस पोटाशियम गेट्स टू ओपन। तो हमने जैसे कहा ना कि सोडियम आयन तो सबसे पहले ही ओपन हो गई थी, जैसे -60 का माहौल हुआ सेल के अंदर पोटाशियम गया, सोडियम आयन ओपन हो गई थी। लेकिन पोटाशियम आयन हमारा लेजी बच्चा है, ये लेजी बच्चा कब ओपन होगा? ये तभी ओपन होगा जब एक्सोन की मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ, पोटाशियम की गेटेड चैनल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोटाशियम आयन गेटेड चैनल के लिए, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के लिए एक स्ट्यूमुलस की तरह क्या काम करेगा? मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन। ठीक है, सिंस पोटाशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस मेक द इनसाइड ऑफ सेल पॉजिटिव। क्योंकि पोटाशियम का ई फ्लक्स होना शुरू हो जाता है तो सेल जो है वो लेस पॉजिटिव होती चली जाएगी एंड एक्टिवेट सोडियम पोटाशियम पंप। ये बात मैं आपको थोड़ा बताना भूल गई थी कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि सोडियम पोटाशियम पंप जो नॉर्मल रेस्टिंग फेज में काम कर रहे थे, जिनका काम क्या था? जिनका काम था 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकना और 2 पोटाशियम आयन को अंदर फेंकना, ये इसका काम था। और ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहे थे, यानी कि एटीपी डिपेंडेंट इनका काम हो रहा था, इसीलिए ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट काम कर रहे थे। लेकिन जब आपकी सेल के अंदर वोल्टेज डिफरेंस आता है -60 का, तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। पहला तो सोडियम गेट की ओपनिंग होती है, और दूसरी चीज यहाँ पे जो पोटेंशियोजेनिक पंप था उसका क्लोज हो जाना, उसका शट डाउन होना। लेकिन इस पोटेशियम पंप को वापस से एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग की बात है। तो ये एक्टिवेशन कब होगा? जैसे ही आपकी एक्सोलिमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन डीपोलराइज होती है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम आयन चैनल एक्टिवेट होगी। उसी के साथ साथ जो पोटाशियम पंप था, सोडियम पोटाशियम पंप था, जो पोटेंशियोजेनिक पंप था, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन और रिटर्न टू द ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल बिगिन। यहां से आपकी जो रीपोलराइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। रीपोलराइजेशन का मतलब कि वापस से सेल को -70 मिलीवोल्ट का माहौल बनाना है, क्योंकि वही उसकी रेस्टिंग फेज है। हम सभी को पसंद है कि हम लोग काम ना करें, हम लोग रेस्ट पे रहें। तो सेल को भी क्या चाहिए? एक्सोन की सेल को भी यही चाहिए कि ठीक है, एक्साइटेशन हो गया, मैंने उस वेव को ट्रांसफर कर दिया, अब मैं वापस रेस्ट में आना चाहती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। इसलिए सेल अपने आप को रेस्टिंग फेज में कन्वर्ट करने के लिए रीपोलराइजेशन करती है। और उस रीपोलराइजेशन के लिए कौन से 2 पंप काम कर रहे हैं? एक तो पोटेंशियोजेनिक पंप काम कर रहा है, दूसरी चीज हमारी पोटाशियम आयन चैनल काम कर रही है। ठीक है, सोडियम पंप, ओके, द रीपोलराइजेशन पीरियड रिटर्न द सेल टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। द न्यूरॉन इज नाउ प्रिपेयर टू रिसीव अनदर स्ट्यूमुलस। क्योंकि जब तक सेल न्यूरोनल सेल रेस्टिंग फेज पर नहीं आएगी, वो दूसरे स्ट्यूमुलस को रिसीव नहीं करेगी। तो अगर हम इसे समझे तो न्यूरोनल सेल का वापस रेस्टिंग फेज में भी आना जरूरी है, और रेस्टिंग फेज में कब आएगी? जब वापस से उसका माहौल -70 का हो जाएगा। सो सोडियम पोटाशियम स्टार्ट वर्किंग टू मेंटेन द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय एक्सपेलिंग सोडियम आयन एंड इनटेकिंग ऑफ पोटाशियम आयन। यानी कि यहाँ पे आपका पोटेंशियोजेनिक पंप काम कर रहा है कि वो सोडियम के 3 आयन को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटाशियम आयन को अंदर फेंक रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, यहां से एक चीज और ध्यान रखनी है। जब इतनी चीजें हुई थी, जब हमने देखा, हमने ये चीज देखी थी कि जब आपकी मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल हुआ था, उस एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे अंदर पॉजिटिव माहौल बन गया था, बाहर नेगेटिव माहौल बन गया था। ठीक है, इतनी बात हमने समझी थी। वापस जब एक्शन पोटेंशियल से जो आपकी सेल है उसके अंदर रिपोलराइजेशन हुआ, तो अगेन अंदर हमारा नेगेटिव माहौल आ गया था और बाहर फिर से पॉजिटिव माहौल आ गया था। ठीक है, ये चीज हमने समझी। एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। फिर चलो यहीं से समझा देती हूँ। ठीक है, जब हमारी सेल नॉर्मल स्टेज में थी तो कुछ इस तरीके की उसकी पोलैरिटी थी। जब उसमें डीपोलराइजेशन हुआ तो माहौल हमारा अपोजिट हो गया था, बाहर नेगेटिविटी आ गई थी, अंदर पॉजिटिविटी आ गई थी। लेकिन ये पॉजिटिविटी किसकी वजह से आई थी? अंदर सोडियम आयन भर गया था, सोडियम आयन भर गया था। ठीक है, और जब ये वापस रिपोलराइज होने लगी तो पोटाशियम बाहर निकलने लगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ?
अब पोलैरिटी तो सेम हो गई है, रीपोलराइजेशन के टाइम पे मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो तो -70 हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस -70 का आ गया, लेकिन अब चार्ज का डिफरेंस जो था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। रिवर्स इन द सेंस कि पहले नॉर्मल स्टेज के अंदर पोलैरिटी किसकी वजह से थी, कि अंदर पोटासियम आयन भरा पड़ा था, बाहर सोडियम आयन भरा पड़ा था, लेकिन अब पोलैरिटी में क्या हो गया है, अब अंदर सोडियम आयन भरा पड़ा है और बाहर पोटासियम आयन हो गया है, क्योंकि सेल पोटासियम आयन को बाहर फेंक रही है और सोडियम आयन को अंदर ले रही है। तो अब इस चीज को भी रिवर्स करना है, क्योंकि अगर अगर अंदर सोडियम आयन भरा रहेगा और बाहर पोटासियम आयन रहेगा तो नेक्स्ट ट्यूबलेस के टाइम पे आपकी आयन चैनल्स जो है वो काम कैसे करेंगी, क्योंकि उन आयन चैनल्स का काम क्या था, उन आयन चैनल्स का काम यही था ना कि सोडियम का इफ्लक्स, पोटासियम का इफ्लक्स, ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स और पोटासियम का इफ्लक्स, लेकिन वो चीज तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेल की पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन सेल के आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा पोटेंशियोजेनिक पंप है, यानी कि सोडियम पोटासियम पंप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो कैसे प्ले करेगा कि ये पोटेंशियोजेनिक पंप क्या करता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इसका जो हमारा एक्शन पोटेंशियल वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम पोटासियम पोटेंशियोजेनिक पंप है, ये 3 सोडियम आयन का इफ्लक्स करता है और 2 सोडियम आयन का इनफ्लक्स करता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे -नेगेटिव का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से आप समझोगे कि क्यों पोटेंशियोजेनिक पंप सोडियम आयन को बाहर फेंक रहा है और पोटासियम आयन को अंदर फेंक रहा है, क्योंकि बाहर सोडियम आयन कम हो, मतलब सॉरी नॉट बाहर, अंदर की माहौल के अंदर पोटासियम आयन की डेफिशिएंसी हो गई है और उसे वापस से उसकी पोलैरिटी को चेंज करना है, आयनिक डिफरेंस को सेम करना है, यानी कि अंदर पोटासियम आयन को ज्यादा फिल होना चाहिए, बाहर सोडियम आयन को ज्यादा होना चाहिए। तो ये पोटेंशियोजेनिक वापस से आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। क्लियर? ओके, सोडियम पंप स्टार्ट वर्किंग टू मेंटेन द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय एक्सप्लेनिंग सोडियम आयन एंड पोटासियम आयन का इनटेक करके। इसलिए ये सोडियम पंप, पोटेंशियोजेनिक सोडियम पंप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरोनल सेल, क्योंकि एक स्टिमुलस के बाद उसे वापस उसकी नॉर्मल स्टेज में, रेस्टिंग फेज में आने के लिए ये सोडियम पोटासियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, जब आपका न्यूरोनल सेल किसी सिग्नल को रिसीव करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट कैसे हुए, ये चीज हमने समझी कि मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, एक्शन पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगी, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल की वेव है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रेवल करेगी। अच्छा, ये चीज और समझा देती हूँ कि ये जो एक्शन पोटेंशियल की वेव हम लोग क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सिस की वेव क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि देखिए, मान लीजिए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। यहाँ पे इस न्यूरॉन की एक्सॉन बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, ये इसकी सोमा बॉडी है, ठीक है, ये इसका एक्सोनल सेल है और यहाँ पे साइनेप्सिस है, लाइक कुछ इस तरीके से ये एक्सॉन है आपका। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आए, सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, उस सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया और वो सिग्नल ट्रांसफर कर दिया एक्सॉन सेल की। अब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो सेल होती है वो पोलराइज होती है। पोलराइज मतलब यहाँ पे पोटेंशियोजेनिक पंप काम कर रहा है, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटासियम आयन को अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, ये माहौल बना हुआ है, नेगेटिव माहौल है, -70 मिलीवोल्ट का माहौल है, ये रेस्टिंग स्टेज पर है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आपकी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन होती है प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उस टाइम पे ये जो रीजन है, एक सेगमेंट की, सिर्फ एक सेगमेंट की जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, यानी कि जो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा वो सिर्फ इस सेगमेंट में होगा। ठीक है, और फिर इस सेगमेंट से वो एक्शन पोटेंशियल इस सेगमेंट में हो जाएगा। अब इस सेगमेंट में कैसे होगा, देखिए वो चीजें मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन में मैंने ये बात समझी थी कि पोलराइज स्टेट है। अच्छा जी, पोलराइज स्टेट है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका, चलिए ये बात मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसको,
नेक्स्ट इमेज में समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है? यस। अभी तक हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट कैसे कन्वर्ट हुई, डीपोलराइज से रीपोलराइज स्टेट कन्वर्ट कैसे हुई। अब हमें ये समझना है कि वेव कैसे ट्रेवल करती है। तो वेव का देखिए ये होता है कि मान लो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हो गया, अब इस सेगमेंट के अंदर रीपोलराइजेशन तो हमारा हो गया क्योंकि बाद में हमारी पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो गई और हमारा पोटेंशियोजेनिक पंप भी एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन की प्रोसेस तो होने लग गई। लेकिन अब दूसरे सेगमेंट के अंदर डीपोलराइजेशन कैसे होगा, आप जरूर, ऐसा तो है नहीं कि हर बार कॉकरोच जो है वो बैठेगा, बार बार वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेशन तो सिर्फ एक ही न्यूरोनल सेल का होता है ना, लेकिन वही न्यूरोनल सेल फिर आपकी एडजेसेंट न्यूरोनल सेल को एक्टिवेट करता है, और इसी तरीके से जो हमारी चेन बनी हुई है सीक्वेंस में, हमारे न्यूरोनल सेल जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उनके अंदर हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर एक न्यूरोनल सेल के ऊपर कॉकरोच बैठेगा और तभी मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन होगी, ठीक है? मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल सिर्फ इनिशिएशन करती है स्टिमुलस का, और ये स्टिमुलस का इनिशिएशन कब होता है, ये सिर्फ आपके सेंसरी न्यूरोनल की सेंसरी न्यूरोनल सेल के अंदर ही होता है। उसके बाद जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो आपकी वेव के फॉर्म में होता है, और ये वेव कैसे ट्रेवल करती है कि जब आपकी पोटाशियम आयन चैनल एक्टिवेट हो गई थी, जब वो पोटाशियम आयन को बाहर फेंक रही थी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सोडियम आयन चैनल, खुद सोडियम आयन चैनल डिफ्यूज होके इस सेगमेंट में भी आ जाते हैं, और जैसे ही सेगमेंट के अंदर कुछ सोडियम आयन एंटर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माहौल कैसा था, यहाँ पे -70 का माहौल था, लेकिन जब यहाँ पे पोटेशियम आयन आए तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव माहौल हो गया, तो फिर से हमारा -70 से -60 का माहौल बना, और -60 माहौल होते ही हमारी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होगी, अगेन सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, अगेन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। सो समझ में आया मैंने क्या समझाया? मैंने ये समझाया कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर किस तरीके से वेव ट्रैवल करती है, कि एक रीजन के अंदर डीपोलराइजेशन होता है और वही हमारा डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ से कुछ आयन का डिफ्यूजन होके वो दूसरे सेगमेंट में एंटर कर जाते हैं, एज द रिजल्ट यहाँ पे अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और जिसके वजह से अगेन हमारी पोटेशियम सॉरी सोडियम चैनल ओपन हो जाती है और फिर से हमारा सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है। दिस पूरा सेल नहीं, मतलब आपकी सेल का सेगमेंट, इसलिए कहा जाता है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल कर रही है। ये पहले इस सेगमेंट के अंदर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर इस सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हुआ, फिर इस सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हुआ, और ऐसे वो लास्ट में साइनेप्टिक रीजन तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या फिर हम इसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक impulses और generation of wave, या इसे simple word में कहा कह सकते हैं the wave of depolarization, कि एक सेगमेंट पहले डिपोलराइज हुआ, उसके बाद ये सेगमेंट रिपोलराइज होने लगा ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल, फिर ये सेगमेंट डिपोलराइज हो गया, फिर ये सेगमेंट डिपोलराइज हो गया, यानी कि एक वेव सी ट्रेवल कर रही है डिपोलराइजेशन की, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी मैं एक बार फिर से डिटेल मैनर में आपको कल कंप्लीट करा दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।